गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया था। तो एक स्टोरी था, हम लोगों ने सीखा था कि नॉन यूनिफॉर्म एरिया था, जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग एक ही राजा के अंदर रह रहे थे। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। उसके बाद एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण कॉमर्शियल क्लास का इमर्जेंस हुआ और न्यू मिडिल क्लास आए और इन्होंने नेशनलिज्म का आइडिया दिया और एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज का आइडिया जो है वो भी पॉपुलर हुआ। उसके बाद हम लोग देखें कि लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, और इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में और पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बारे में हम लोगों ने जाना। जैसे इकोनॉमिक लिबरलिज्म में मतलब कि टैक्सेस और जो भी बैरियर्स है इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, इसको बैरियर्स को हटाना। जैसे कि अब वहाँ पे करेंसी जो है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है तो दोबारा से वीडियो को देखो और उसके बाद अब कंटिन्यूटी में हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले ये भी पढ़ा था इन न्यू कंजर्वेटिज्म इन आफ्टर 1815। 1815 में क्या हुआ था, एक ट्रीटी साइन हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था 1815 में। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि अब हारने के बाद नेपोलियन के जो अगल बगल के मोनार्की वाले लोग थे, ये लोग आए। ठीक है, और इन्होंने जो भी मूव नेपोलियन के द्वारा लिया गया था या फ्रेंच जो है वो अपना एक्सपेंशन किया था, उसको दोबारा से हटाया और उनको ज़्यादा आगे ग्रो ना कर पाए इसके लिए स्टेप्स लिए गए। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा था और फिर वो देख रहे थे हम लोग कि कंजर्वेटिव रिजीम्स जो आई थी 1815 में, कि वहाँ पे कैसे हमारा फ्रीडम को कटेल किया गया था। सबके मुंह पे एक चुप्पी थी, लोग खुल के नहीं बोल पा रहे थे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था लास्ट क्लास में। अब देखो द रिवॉल्यूशनरी, ये जो सब टॉपिक और है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इज द मेजर टॉपिक। अब उसके अंदर एक ये टॉपिक आया रिवॉल्यूशनरीज का। ठीक है, तो अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815, 1815 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। तो ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन, अब इसमें क्या था कि आपको भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हट गया, बोलने पे पाबंदी लग गई, तो फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो बहुत लोग जो है अब छुप के काम करने लगे और सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने बनाई जिसमें वो लोग रिवॉल्यूशनरी को ट्रेन करेंगे और अपना आइडियाज और लोगों में भी फैलाएंगे, लेकिन सीक्रेटली करना है ये सब चीज़ें, क्योंकि एकदम ओपनली करोगे तो रिप्रेशन होगा, आपको दबाया जाएगा। तो इस कारण से सीक्रेट सोसाइटीज एमर्ज होने लगी वहाँ पे। ये सब देखो, ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, ये राइज ऑफ नेशनलिज्म, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ही पार्ट है कि कैसे कंजर्वेटिज्म आया तो उसने लोगों को दबाया, तो जब लोगों को दबाया उसके बोलने चालने पर पाबंदी लगी तो फिर लोगों को लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो जब गलत हो रहा है तो फिर वो लोग आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, रिवॉल्यूशन होगा, लोग जो है वो प्रदर्शन करेंगे। तो इसी कंटेक्स्ट में हम लोग ये चारों सब टॉपिक पढ़ रहे थे कि लिबरलिज्म क्या है, एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्होंने ही आइडिया दिया था। इट वॉज द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट गेव द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो इसी की कंटिन्यूटी को माइंड में रखना है हमेशा से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी, क्यों, क्योंकि भाई दबाने लगे उनके खुले विचारों को, लोगों से शेयर करने से मना हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो था वो नहीं था वहाँ पे। सो टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट ए कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस, वही ट्रीटी ऑफ वियना। तो उसके बाद अगर आप इस तरह से ओपनली रिवॉल्यूशनरी आइडिया को सपोर्ट करेंगे, सो टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दैट टाइम, इसका मतलब कि वहाँ के राजा के प्रति
डिसरिस्पेक्ट दिखाना, ठीक है, कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्किकल फॉर्म दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस. देखो वियना कांग्रेस से पहले नेपोलियन का फेज आया, उससे पहले फिर से वो लोग मोनार्किकल ही थे सबसे पहले, तो मोनार्की से बीच में थोड़ा चेंजेस आया और फिर मोनार्की. तो अब यहाँ पे भी फिर दबाने लगे लोग के आइडियाज को, लिबरलिज्म को, लिबर्टी को, उनके फ्रीडम को. सो मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. जब आपके फ्रीडम को दबाया जाएगा तो सबसे पहले डिमांड ऑब्वियसली है फ्रीडम की होगी कि नहीं, हमें पहले फ्रीडम दीजिए, हमें लिबर्टी दीजिए, हम जो चाहते हैं करना, जो बोलना चाहते हैं, जो न्यूज़पेपर में लिखना चाहते हैं, उसकी आज़ादी दी जाए. तो ये डिमांड जो है ना, ये डिमांड नेशन स्टेट के डिमांड के साथ मर्ज होने लगी. कैसे कि मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, उनको लगा कि ये सब तो दो ही और साथ में मेरे को मेरा कंट्री भी दो, ठीक है, जहाँ पे एक जैसे लोग रहेंगे, जो नेशन स्टेट का एक डेफिनेशन हमने शुरू में पढ़ा था, कॉमन हिस्ट्री और डिसेंट, तो वो वाला चीज. तो नेशन स्टेट की मांग की उन्होंने फ्रीडम के साथ साथ. अब ये किसकी बात हो रही है, यही रिवॉल्यूशनरी की, सीक्रेट सोसाइटीज की. तो वन सच इंडिविजुअल, अब एक एग्जांपल देके बता रहा है यहां पे कि इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे मजीनी, बॉर्न इन जिनोआ एंड ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी. तो अब देखो रिवॉल्यूशनरी का एग्जांपल और एक सीक्रेट सोसाइटी, तो ये एग्जांपल आपको देना है जब पूछा जाएगा कि कैसे उस समय में रिवॉल्यूशनरी काम करते थे, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना के बाद. सो ही बिकम द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी एज अ यंग मैन 24. उसको एग्जाइल में भेजा गया फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया एंड ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी, यंग इटली इन मर्सिलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम अलग अलग कंट्री से. अब इस समय में ये सब कंट्री थी या नहीं थी ये देखेंगे. जर्मनी और इटली जो है ये तो बाद में आया ना. सो मेजिनी बिलीव दैट गॉड हैज इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. मतलब हम लोगों को नेशन जो है वो नेचुरल यूनिट है. दो नेशन को मिला के अगर एक राजा रूल कर रहा है तो ये भगवान के आदेश के खिलाफ है, ऐसा उसको लगा. तो मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड. सो इटली जो है वो पैच वर्क में नहीं रहेगा. इटली जो है, अभी देखो आपको मैप दिखाता हूँ मैं इटली का. ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम पे ये देखिए, यूरोप आफ्टर कांग्रेस ऑफ वियना, इटली अभी जो है ये वाला पार्ट है इटली, लेकिन यहाँ पे क्या है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज और स्मॉलर स्टेट है ना ये सब. तो पैच वर्क है, यूनिटी नहीं है ना, अभी एक इटली नहीं दिख रहा है हम लोगों को. तो वही चीज़ मजीनी को लगा कि ये इटली जो है ये पैच वर्क नहीं हो सकता है, हमें अपनी कंट्री चाहिए. तो देखो यहाँ पे, सो इटली could not continue to be the patchwork of a small states and kingdoms. It has to be forged into single unified republic within a wider alliance of nation. अब यहाँ पे देखो, unity, single unified republic की तो बात की गई, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे wider alliance of nation की भी बात की गई. ऐसा नहीं है कि हम अपना country बना के और दूसरे से अलग होके रहने लगे, नहीं, हमें आपस में coordination की ज़रूरत है, alliance की ज़रूरत है. लेकिन नेचुरल यूनिट जो होगा वो नेशन होगा. जैसे इटली बनेगा, इटालियन स्पीकिंग पीपल को लेके बनेगा इटली, और वो एक यूनिट रहेगा, वो एक कंट्री रहेगी, वो एक नेशन स्टेट रहेगा. ठीक है, अभी क्या था, जब इटली नहीं है तो पैचवर्क है अलग अलग स्मॉलर स्टेट का और किंगडम्स का. सो इट हैज टू बी फोर्स्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक. अब ये आइडिया किसने दिया हमें, तो ये रिवॉल्यूशनरीज का आइडिया है ना ये यहाँ पे. तो इसलिए ये रिवॉल्यूशनरीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आइडिया लाए
फ्रीडम के साथ साथ कि मेरे को नेशन स्टेट को भी डेवलप करना है. सो दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी. और ये बोले कि अब जब कंट्री हमारी बन जाएगी तो उसमें हम अपने हिसाब से फ्रीडम को रखेंगे, फ्रीडम लाएंगे और लोगों को दबाया नहीं जाएगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस रहेगा, लिबर्टी मिलेगी वहाँ के पीपल को. तो फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड. तो अब इनको देखा देखी फिर इन सब कंट्री में भी सीक्रेट सोसाइटी जो है वो डेवलप होने लगी. तो अब उनका भी वही एजेंडा रहेगा सिमिलर कि अब मेरे को भी जर्मनी को भी पैच वर्क नहीं रखना है, मुझे भी एक जर्मनी बनाना है पूरा जर्मन स्पीकिंग लोगों को लेके, ठीक है ना. सो देखो यहाँ पे मजीनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की. अब मजीनी जो है वो मोनार्की को अपोज कर रहा है. क्यों कर रहा है? ऑब्वियस है, फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी चाहिए एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव. तो अभी पहले, इससे पहले नेपोलियन के कारण, नेपोलियन के आइडिया को लेके मोनार्की को डर लगने लगा था, कंजर्वेटिव्स को डर लगने लगा था. अब मजीनी के आइडिया को लेके जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको डर लग रहा है. दे आर फ्राइटेंड बाय द आइडिया ऑफ मजीनीज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. यहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का नहीं होता है और लोग डिसाइड करते हैं. तो अब यहां पे देखो मेटर्निच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. आवर सोशल ऑर्डर मतलब किसका सोशल ऑर्डर? कंजर्वेटिव का सोशल ऑर्डर. और कंजर्वेटिव के सोशल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहा है मजीनी और वो उसका डेंजरस एनिमी है, मोस्ट डेंजरस एनिमी. ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी की बात हो गई ना यहाँ पे. रिवॉल्यूशनरी कैसे कंजर्वेटिव को चैलेंज कर रहा है और कंजर्वेटिव को चैलेंज करेगा जो रिवॉल्यूशनरी है, और क्या अल्टरनेटिव रख रहा है वो कि नेशन बनाना है हमको. तो इस तरह से रिवॉल्यूशनरी का रोल इन नेशनलिज्म इन यूरोप हम लोग देख सकते हैं. तो अब आओ द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848. ये क्या पार्ट है? एज कंजर्वेटिव रिजीम ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर. कंजर्वेटिव रिजीम कौन है? जिनको फ्रीडम नहीं देना है लोगों को, जो चाहते हैं कि हम राजा हैं तो हम ही राज करेंगे बस, इस तरह के जो लोग हैं. तो इस तरह के जो रूलिंग क्लास है, तो कंजर्वेटिव रिजीम जो है वो ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर. लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कैन बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विथ रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन इन ऑफ यूरोप. अब ये जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का जो आइडिया है ये रिवॉल्यूशन के साथ एसोसिएट होने लगा, जैसे कि इटली, जर्मन स्टेट, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड. दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास, अमंग हुम द प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क्स एंड मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास. अब यहाँ पे देखो न्यू मिडिल क्लास का जो इमरजेंस जो हम लोगों ने देखा था इसके पहले वाले सब टॉपिक में, ठीक है, तो वो मिडिल क्लास किस तरह से यहाँ पे दोबारा से अब आ रहे हैं नेशन स्टेट का आइडिया लेके, नेशनलिज्म का आइडिया लेके, लिबरलिज्म का आइडिया लेके. सो द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, वहाँ के राजा को हटा दिया गया, फिर नेपोलियन का हारना और फिर मेटरनिच सिस्टम, ट्रीटी ऑफ वियना, कांग्रेस ऑफ वियना और अब 1830 आता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बॉर्बन किंग हु वाज रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815. वही ना, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद वहाँ के राजा को फिर बोला कि ऐसा है अब सारा आंदोलन वगैरह खत्म हो गया, अब राजा तुम आओ और दोबारा से फ्रांस पे राज करो. ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे जो 1815 के बाद जो हुआ था नेपोलियन के हारने के बाद कंजर्वेटिव लोग आके फ्रांस को सबक सिखाने के लिए वहाँ के राजा को दोबारा रीइंस्टेट कर दिया, वो बर्बन किंग को वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनरी. ठीक है, वो दोबारा हट गया वो राजा 1830 में. तो फ्रांस में देखो राजा का आना जाना लगा हुआ है यहाँ पे.
हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब अभी भी देखो ये जो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज हैं, इन्होंने फिर वहां पे उस राजा को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ही हो गया कि उस राजा के पावर पे थोड़ा अंकुश लग गया, थोड़ा उस पे रोक लग गई कि तुम अपने मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ तुम राजा रहोगे, तुम राज करोगे वहां पे, लेकिन अपने मन से नहीं सारा कुछ डिसीजन लोगे। तो उस वाले ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोला जा रहा है। तो वहां पे हु इंस्टॉल्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुई फिलिप एट इट्स हेड। अब देखो मेटरनिच ने एक बार बोला कि व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका क्या मतलब है, फ्रांस में कुछ भी थोड़ा भी चेंजेस आया ना कि अब राजा हट गया तो बाकी लोगों को भी लगेगा यार हमको भी राजा हटा देना चाहिए। वहां पे लोग फ्रीडम के साथ रह रहे हैं तो बाकी जगह के भी लोग बोलेंगे अच्छा हाँ अब हमको भी फ्रीडम चाहिए। तो इसलिए फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन पे खास नजर रखना जरूरी था इन सब लोगों का, कौन, कंजर्वेटिव्स का, जो फ्रीडम को नहीं चाहते थे, लिबरलिज्म के खिलाफ थे, जो कि रिपब्लिक के खिलाफ थे। सो व्हेन फ्रांस स्नीजेज मेटरनिच वंस रिमार्क्ड कि रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो जुलाई रिवॉल्यूशन जो है स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स, और जिसके कारण बेल्जियम जो है वो ब्रेक हो गया फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो एक कंट्री तो बन गई बेल्जियम की, और एक बन गया यहाँ नीदरलैंड। तो अब देखो एन इवेंट दैट मोबिलाइज द नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग एजुकेटेड एलिट अक्रॉस द यूरोप वॉज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रोल नेशनलिस्ट फीलिंग को मोबिलाइज करने के लिए क्या है ये देखेंगे। आपके पास के लोग आंदोलन करके एक बड़े किंगडम से टूट के अपनी एक कंट्री बना लेते हैं, तो आपको भी लगता है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए और एक कंट्री बना लेनी चाहिए अपनी, जिसमें एक जैसे लोगों का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके, आगे बढ़ सके लोग विथ फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो अब यहां पे देखो वो चीज, ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीस, ठीक है, एंड द ग्रोथ मतलब वही एक राजा सेंट्रल और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी वाले लोग, वही सेंट्रल थीम है। तो अब देखो द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एमंग ग्रीक विच बिगैन इन 1821। तो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म के कारण इन ग्रीक्स को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला और इन्होंने स्ट्रगल किया, स्टार्ट किया अपने इंडिपेंडेंस के लिए। और नेशनलिस्ट इन यूरोप गॉट द सपोर्ट ऑफ अदर ग्रीक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोप हु हैड सिंपथीज फॉर एंशंट ग्रीक कल्चर, कि हाँ भाई ग्रीक को अलग एक अपना कंट्री होना चाहिए। तो क्योंकि उससे पहले तो वो क्या था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, कंट्री नहीं था कोई। सो पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉडेड ग्रीस एज ए क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीस का एक्चुअली हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस भी है, तो लोगों को थोड़ा उससे अलग से लगाव है सारे यूरोपियंस को। सो द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स, वॉर फाइट हुआ, और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के बाद ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया गया। तो ग्रीस के लोगों ने क्या किया, वॉर किया, लोगों के आइडियाज को अपने सपोर्ट में लिया, फंड्स इकट्ठा किए। तो इन सब चीजों के बाद ग्रीस जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उभरा और सेपरेट हो गया ऑटोमन एम्पायर से। तो अब देखो आप यूरोप में एक कंट्री बन रही है जो कि सिमिलर सिचुएशन में थी जिसमें आपकी कंट्री है, मतलब आपकी होने वाली कंट्री है, ठीक है, जिसके बारे में आप इमेजिन करते हो कि ये जर्मन है, जर्मनी होने वाला है, ऐसा कुछ जो सारे जर्मन स्पीकिंग लोगों को एक साथ जो उस एरिया में रहते हैं वो अपना एक कंट्री बना लेना चाहिए उनको जर्मनी का। तो ये अगर आप सोच रहे हो और इसी सोच को बगल में कोई इंप्लीमेंट कर दे तो आपको नहीं मिलेगा मोटिवेशन कि हाँ ये तो कर लिया इन्होंने, मतलब मुझे भी करना चाहिए ऐसा। तो यही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने और मोबिलाइज किया नेशनलिस्ट फीलिंग को अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप।
अब देखो यहाँ पे, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, अब ये क्या चीज़ है? जो नेशन एक एसोसिएट होता है तो वो एक नेशनल फ्लैग उसके साथ रहता है, एक नेशनल सॉन्ग रहता है, एक नेशनल एंथम रहता है, तो एक उसका लैंग्वेज रहता है, ठीक है? ये यूरोप के नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं हम। एक बार फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इंडिया के नेशनलिज्म को मत अभी कंपेयर करना इससे। यूरोप का नेशनलिज्म जो है, वो इंडिया से थोड़ा अलग है। वहाँ पे क्या था कि भाई यहाँ एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग, उनका एक झंडा हो जाए, थोड़ा सा गाना उनका एक फेवर में हो जाए, तो ये सब चीज़ लोगों को, लोगों के अंदर एक फीलिंग डेवलप करती है, कंट्री के प्रति जो लगाव है उसको एनरिच करती है, उसको ज़्यादा बढ़ाती है ये सब चीज़ें। अब जैसे हम लोगों को नेशनल एंथम सुनने के बाद कैसा देश के प्रति या एक कैसा हमें गूज़बम्स आता है कि हाँ कुछ है, लिंक कर रहा है हम लोगों को किसी बड़ी चीज़ से, नेशनल एंथम जो जब हम लोग सुनते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, तो म्यूज़िक जो है, सॉन्ग्स जो हैं, पोइट्री जो है, ये सब चीज़ लोगों के अंदर अपने नेशन के प्रति एक लगाव को डेवलप करती है। तो अब वही सब चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे कि रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग। अब जैसे भारत माता की पेंटिंग बनाई तो उससे लोगों को एसोसिएशन हुआ कि हाँ, कंट्री को अगर एक पिक्चराइज करके दिखा दिया लोगों को, तो जो एक नेशन जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, कुछ जो लोग नहीं समझ पाते वो समझने लगते हैं कि हाँ हमको इसके प्रति अपना लगाव दिखाना है। नहीं तो ऐसे तो नेशन जो है वो कोई दिखने वाली चीज थोड़ी है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू द वॉर एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है, कल्चर ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, आर्ट, पोएट्री, स्टोरी, म्यूजिक, ये सब भी जो है नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप किए। अब जैसे रोमांटिसिज्म में कल्चरल मूवमेंट है, ये रोमांटिसिज्म है क्या, कल्चरल मूवमेंट है जिसमें नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप किया गया, जो नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप करना चाहता है वो कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किसको फोकस किया, फोकस इंस्टीड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग, जिससे कि क्या डेवलप हो, एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज डेवलप हो, कॉमन कल्चर पास्ट डेवलप हो एज द बेसिस ऑफ नेशन। तो रोमांटिसिज्म जो है एक कल्चरल मूवमेंट है जो कि नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और उसने क्या किया, रीजन और साइंस को नहीं बल्कि इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग को प्रमोट किया। तो ये वर्ड्स लिखने हैं आपको अपने आंसर में। अब यहाँ पे देखो, अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर क्लेम्ड दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द पीपल, जर्मन कल्चर को खोजने की बात बोल रहा है। दस फोक, इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वाज पॉपुलराइज्ड, फोक गाइस्ट, ठीक है। तो वहां पे लोकल पोएट्री को प्रमोट करके, लोकल तरह का डांस को प्रमोट करके वहां के नेशन के स्पिरिट को पॉपुलर बनाया गया। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग को अब यहां पे एक प्रोजेक्ट से एसोसिएट किया गया, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये फोक कल्चर। कैसे कल्चर कैसे इंपॉर्टेंट है नेशन बिल्डिंग में, ये यहां पे बताया गया है। अब बोलोगे कल्चर, तो कल्चर अगर एक जैसा कल्चर पॉपुलर होगा, जैसे ये रीजन है, अब इस रीजन में लोग एक ही तरह का डांस करते हैं मान लो, तो इन लोगों में कॉमन वी फीलिंग डेवलप हो जाएगा ना कि अच्छा वो भी हमारे जैसा ही डांस कर रहा है, वो भी हमारे जैसे ही कहानियां सुनता है, फोक स्टोरी, फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग, हमारे जैसा ही गाना गा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, यूनिटी डेवलप होगा, ठीक है। सो दिस द एम्फेसिस ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एंशियंट
national spirit, but also to carry the modern nationalist message to the larger audience. अब इन सब से एक तो नेशनलिस्ट स्पिरिट तो था ही कि हाँ भाई एक कंट्री हम लोगों को बनना चाहिए, हम लोग एक जैसे हैं. इसके अलावा भी मॉडर्न मैसेज भी पहुंचाने के लिए इन सबको, अब जैसे प्रभात फेरीज का यूज किया जाता था हमारे नेशनलिस्ट स्ट्रगल में लोगों को आइडिया और मैसेजेस पहुंचाने के लिए, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है. जैसे नुक्कड़ नाटक करते हैं लोग, तो नुक्कड़ नाटक जो है अगर मान लो हर जगह एक एरिया में नुक्कड़ नाटक हो रहा है तो लोगों को लगेगा अच्छा हम लोग भी यहाँ पे नुक्कड़ नाटक करते हैं और दूसरे जगह भी नुक्कड़ नाटक हो रहा है, तो थोड़ा एक कॉमनैलिटी आएगा, वी फीलिंग आएगा. लेकिन नुक्कड़ नाटक इज नॉट जस्ट अबाउट कि वी फीलिंग डेवलप हुआ, नुक्कड़ नाटक के थ्रू मैसेजेस भी तो जाता है ना लोगों में कि अच्छा हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को भी लार्जर ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए इन सब चीज़ों का, लोकल फोकलोर का यूज किया गया. दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, पोलैंड के केस में इन विच पार्टीशन हुआ था पोलैंड का और बांट दिया गया था उसको एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय ग्रेट पावर रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया. इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, लेकिन उसका नेशनलिस्ट फीलिंग को अलाइव रखा गया था थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज. तो ये देखो म्यूजिक एंड लैंग्वेज का क्या रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, तो वो पोलैंड का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं वहां पे. अब जैसे कैरल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपराज एंड म्यूजिक टर्निंग फोक डांस लाइक पोलोनीज एंड मजूरका इन टू नेशनलिस्ट सिंबल. इससे लोग एसोसिएट करने लगे, ये डांस जब होता है, जब ये गाना, अब जैसे नेशनल एंथम होता है तो हम एसोसिएट करते हैं ना कंट्री से अपने, तो उसी तरह ये लोग उस डांस से एसोसिएट करने लगे कि हाँ ये नेशनल सिंबल है. अब लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. अब जैसे पोलैंड में क्या हो रहा था कि चर्चेज के गैदरिंग में पॉलिश लैंग्वेज यूज हो रहा है वहां की लैंग्वेज, ठीक है, तो इसके कारण क्या है रशियन को अथॉरिटी जो है वहां के लोगों को पनिश कर रही है कि नहीं नहीं आप रशियन प्रमोट करो, क्योंकि पॉलिश या पोलैंड का जो लैंग्वेज अगर है वो प्रमोट होगा तो वहाँ के लोग कहीं ऐसा ना सोचने लगे कि हम पोलैंड वाले एक हैं और हमें एक कंट्री चाहिए अपनी. तो रशियन वाले इसको ब्रेक करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे इन चीज़ों को नेशनलिस्ट फीलिंग को बचा के ही रखा इन सब लैंग्वेज और फोक कल्चर ने. और वहाँ पे जो पॉलिश लैंग्वेज का यूज़ है वो स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस का सिंबल देखा जाने लगा. यहाँ अच्छा हमें रशियन डोमिनेंस को अपोज करना है तो पॉलिश बोल के अपोज करना है. तो लैंग्वेज देखो कैसा एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है यहाँ पे स्ट्रगल के लिए. अब नेक्स्ट ये है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. अब देखो 1830 में देर वॉज ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, जो कि यूरोप में बहुत सालों से चल ही रहा था. द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी saw an enormous increase in population increase हुआ, लोग जॉब के लिए ढूंढने लगे, एम्प्लॉयमेंट का डिमांड बढ़ने लगा. लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटी, और वो स्लम्स में रहने लगे. स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन जो है ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन गुड मेड फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड का इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा एडवांस लेवल पे था, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन कॉन्टिनेंट. दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, विच वॉज कैरिड मेनली इन द होम्स और स्मॉल वर्कशॉप. तो टेक्सटाइल वाले जो वहाँ के, अब इकोनॉमिक हार्डशिप का जस्ट एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कॉन्टिनेंट में टेक्सटाइल वर्कर को जो मिलना चाहिए फैसिलिटी वो नहीं मिल रहा है, जो सैलरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और मशीन मेड गुड्स जो है वो आ रहा है कॉन्टिनेंट में और स्टिफ कॉम्पिटिशन दे रहा है. इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स आ रहा है यहाँ पे. इंग्लैंड में क्यों, इंग्लैंड क्यों, तो क्योंकि इंग्लैंड जो है वो एडवांस लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में था. तो अब यहाँ पे देखो दिस द राइज ऑफ फूड प्राइजेस
और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म, मतलब गरीबी इन टाउन एंड कंट्री। अब 1848 में एक ऐसा साल था जहाँ पे फूड शॉर्टेज वगैरह हुआ, तो अब यहाँ पे देखो लुई फिलिप को जो लाए गए थे वो भगा दिया गया अब, ठीक है। लुई फिलिप क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का राजा था वो। तो अब देखो अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, तो अब लुई फिलिप को हटा दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से अब बन गया रिपब्लिक, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो लोग चुनते हैं। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल अबव 21 एंड राइट टू वर्क, और नेशनल वर्कशॉप एम्प्लॉयमेंट सेटअप करेगा, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल वर्कशॉप जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए। तो अब यहाँ पे देखो अर्लियर इन 1845 वीवर्स इन सिलेसिया हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, जो कि उनको रॉ मटेरियल और ऑर्डर्स वगैरह देते थे जिन्होंने उनकी पेमेंट कम कर दी थी। तो वही थोड़ा सा एक स्टोरी दिया गया कि किस तरह से लोगों को मारा पीटा भी गया वहाँ पे, 11 वीवर्स वर शॉट डेड। तो ये स्टोरी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, कि कैसे वहाँ पे बद से बदतर हालात थे वीवर्स के लिए। तो अब यहाँ पे देखो 1848 में द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, अब लिबरल्स का यहाँ पे क्या रिवॉल्यूशन है ये देखते हैं जरा हम, कुछ ये पार्लियामेंट जैसा दिख रहा है, इधर भी आएंगे। तो नाउ लेट अस सी कि द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्री इन द ईयर 1848 ए रिवॉल्यूशन लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वॉज अंडर वे। देखो रिवॉल्यूशन किसी सोसाइटी में तभी आएगा जब वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा। अब यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, ठीक है, पीजेंट स्टार्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो इवेंट्स इन फेब्रवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट द एबडिकेशन ऑफ मोनार्क, चला गया, एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज, सिर्फ मेल को वोट देने वाला अधिकार मेल को मिला, हैड बीन प्रोक्लेम्ड। तो ये चीज़ हुई वहाँ पे, अभी तक देखें हम लोग रिपब्लिक आ गया वहाँ पे। इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, वहाँ पे क्या था, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिटी। अब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का डिमांड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि तुम पावर पे अंकुश लगाओ और हमें दो पावर वोट करने का और हम चुनेंगे कि हमें पे कौन राज करेगा। तो ये इसके साथ साथ नेशनल यूनिटी की, उसका क्षेत्र कितना बड़ा होगा, तो वो इतना बड़ा होगा जितने हम जिनमें एक वी फीलिंग है डेवलप हुई है, वो एरिया जो है उस एरिया पे हमारे द्वारा चुने हुए लोग हम पे राज करें। तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी का आइडिया जो है ये लिबरल उसमें डेवलप हो रहा है। दे टुक द एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग अनरेस्ट टू पुश दैट डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, कि नहीं नहीं तुमसे तो संभाल ले रहा है, हमें अपना कंट्री दो, ठीक है, ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, ए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये उनका डिमांड है लिबरल मिडिल क्लास का, ठीक है। तो इन जर्मन, इन द जर्मन रीजन ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स वर मिडिल क्लास प्रोफेशनल, मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन, प्रॉस्पेरस आर्टिसंस केम टुगेदर एंड डिसाइडेड कि एक जर्मन नेशनल असेंबली, वोट फॉर ए जर्मन नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च्ड इन ए फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो यहाँ पे ये लोग इलेक्टेड लोग चले, पहले लोग आए वहाँ पे चुना 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, और ये लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए। सो दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन, कि अब जो जर्मनी जो है उस वो जो है मोनार्की होगी लेकिन सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। वेन दैट डेप्यूटी,
जो पार्लियामेंट बोलेगी उस मोनार्की को उसको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब इसको ज़्यादा पावर अब नहीं है। तो अब विथ द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म टू फ्रेडरिक विलहेम फोर किंग ऑफ प्रुशिया। अब किसी राजा को बोलेगी ये लो ताज पहनो, लेकिन उसमें कुछ पावर ही नहीं, तो वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं नहीं ऐसा राजा नहीं बनना हमको। तो ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइंट अदर मोनार्क, और बाकी मोनार्क को बोला कि ऐसा है इसको अपोज करते हैं, ये इलेक्टेड असेंबली जो है ये बेकार है, इसको अपोज करते हैं। पहले क्या हुआ, वहाँ के लोग आए, वहाँ के लोगों ने, कौन लोग, मिडिल क्लास वाले, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो लोग आके 831 लोगों को चुना, वो लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट गए, वहाँ से उन्होंने एक बनाया अपना कि नहीं अब यहाँ पे क्या होगा, मोनार्की होगी लेकिन पार्लियामेंट के अंदर। तो अब फिर इसके बाद इस मोनार्की का ताज किसको देने गए, फ्रेडरिक विलहम फोर को, लेकिन उस किंग ने मना कर दिया कि नहीं अब मुझे तुम्हारा ये ताज नहीं चाहिए, और वो बाकी राजाओं के साथ मिलके इन लोगों को अपोज करने लगा जो कि पार्लियामेंट और इलेक्शन वगैरह का फंक्शन कर रहे थे वहां पे। सो ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली विद द अपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। तो अब एरिस्टोक्रेसी अपोज कर रही है, एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। अब यहां पे क्या है, द पार्लियामेंट जो है वो मिडिल क्लास के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था, जिसने हु रजिस्टर्ड द डिमांड ऑफ वर्कर। अब यहाँ पे भी क्या है, सोसाइटी में सिर्फ राजा और प्रजा नहीं है, राजा के अलावा यहाँ पे मिडिल क्लास है जिसका अपना इंटरेस्ट है, फिर वर्कर्स हैं जिसका अपना इंटरेस्ट है। तो जो पार्लियामेंट बनी उसमें मिडिल क्लास थे, तो इन्होंने वर्कर्स की डिमांड को नहीं सुना, राजा तो हटा दिया, राजा से तो बचा दिया, लेकिन भाई इनसे कौन बचाएगा। सो द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाई मिडिल क्लास हु रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिसन, तो इसलिए उसका सपोर्ट हट गया। देखो गरीब वर्कर्स ज़्यादा, मिडिल क्लास उससे थोड़े कम, और एलीट एरिस्टोक्रेसी बहुत कम। तो इस मिडिल क्लास ने एलीट एरिस्टोक्रेसी को तो हटाने की कोशिश की, लेकिन इस मास पुअर पीपल की डिमांड को नहीं सुना, तो इनका सपोर्ट हट गया फिर मिडिल क्लास वालों का। सो दिस एक्सचेंज, दिस इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन। अब यहाँ पे देखो पॉलिटिकल राइट वुमेन को दिया जाए नहीं दिया जाए, ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है विद इन द लिबरल मूवमेंट। जब लिबरल मूवमेंट हो रहा है तो फिर सबको देना चाहिए ना राइट। तो इसमें क्या हुआ, इन विच द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड एंड वुमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, न्यूज़पेपर और पॉलिटिकल मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लेने लगे। डिस्पाइट दिस उन लोगों को, वुमेन को सफरेज राइट्स नहीं मिला, वहाँ पे वोटिंग राइट नहीं मिला। वेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, ये है वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, चर्च ऑफ सेंट पॉल में ये 831 इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। इसमें बोला गया वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। तो अब ये देखो, लेकिन ऑब्जर्वर के तौर पे उनको, वुमेन को गैलरी में बिठाया गया, तो ये तो गलत बात है। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस द लिबरल मूवमेंट, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। अब क्या हुआ, सपोर्ट इरोड हो गया, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो वर्कर्स का और पीजेंट्स का नहीं डिमांड को रख पाए, उनकी डिमांड को नहीं मान पाए, माने वो लोग। तो क्या हुआ, मोनार्की ने एसोसिएशन बना के फिर से इनको हटा दिया, लेकिन पुराने सिचुएशन पे अब लौटना मुश्किल था। ठीक है, तो मोनार्की को भी लगा कि मोनार्की वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट कि साइकिल ऑफ रिवॉल्यूशन जो है एंड रिप्रेशन, इनको तभी एंड किया जा सकता है जब यहाँ के लोगों को कुछ छूट दी जाए। तो अब वहाँ का राजा जो है वो बोला चलो ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा हम लिबर्टी देंगे। सो हैंस इन द ईयर 1848 ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगैन टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। अब ये लोग आपस में अपने उसमें बदलाव लाने लगे। दस सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश किया गया और मोर ऑटोनॉमी दी गई कि अब आपको और थोड़ा छूट दे दिया कि जिस तरह से आप अपने आप को गवर्न करना चाहते हो करो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट मेन टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।